गुमला में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान घाघरा के भीड़भाड़ वाले इलाके चांदनी चौक, पुटो रोड और नेतरहाट रोड में चलाया गया। इस दौरान दंडाधिकारी ने कहा कि गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों और वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही चेकिंग के दौरान गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों और वाहनों से जुर्माना भी वसूला गया। अभियान चलाया गया जिसमें जो लोग मास्क नहीं लगाए थे, गाड़ी चालक, बस चालक और दुकानदार लोग, उन लोगों को मास्क लगाने के लिए बोला गया और लोग अपना डिस्टेंस, दुकानदार लोग अपना डिस्टेंस बना करके। सरायकेला खरसावा जिले के इचागढ़ थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन हाथी ग्रामीणों के घरों, खेतों में लगे फसलों और जान माल को क्षति पहुंचा रहे हैं। ताजा मामला जिले के कारकीडी गांव का है, जहां शनिवार रात आसपास के जंगलों में डेरा जमाए हाथियों के झुंड ने कई घरों और खेतों में लगे फसलों को बर्बाद कर दिया। वहीं हाथियों के उत्पात से क्षेत्र में लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के मुताबिक वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है, बावजूद इसके विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बता दें कि ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द मुआवजा देने की मांग भी की है। जैसे हाथी आया 1:30 बजे, मेरा धान था, 5-6 बोरा खाया बाहर में, 2 बोरा दरवाजा तोड़ के निकाला, फिर खाया। 1.5 घंटा तक यहाँ था और हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट उट नहीं था, लाइन भी नहीं था उस समय। लगभग आपका कितना धान खाया? लगभग 6 क्विंटल तक। 6 क्विंटल? हाँ। और क्या क्या आपको बर्बाद किया घर में? और एल्बेस्टर तोड़ा 2।